हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में द गंगा नामक लेसन के पैसेज फोर्थ को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग जो है द गंगा नामक लेसन के पैसेज नंबर 4 को स्टडी करेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि यह जो है पैसेज कहां से कहां था, कि स्माइलिंग एंड डांसिंग से लेकर ऑफ द फ्यूचर तक है। तो आइए हम लोग बुक में देख लेते हैं कि यह पैसेज कहां है, उसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। फ्रेंड्स बुक में जो है यहां से है स्माइलिंग से लेकर ऑफ द फ्यूचर तक। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए लिखा है कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, कहता है कि स्माइलिंग मुस्कुराते हुए एंड डांसिंग और नाचते हुए प्रतीत होती है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सनलाइट, कह रहा है कि सुबह की धूप में, सनलाइट मीन्स धूप, कह रहा है कि सुबह की धूप में गंगा नदी मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क और अंधकारमय एंड ग्लूमी और उदास प्रतीत होती है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई, एज द एवनिंग शैडो फॉल, कह रहा है जब एवनिंग शाम की शैडो छाया फॉल पड़ने लगती है, मतलब जब शाम हो जाती है तो यह कैसे दिखाई देने लगती है, अंधकार में उदास और रहस्य से भरी हुई। अनैरो कह रहा है कि एक संकीर्ण स्लो धीमा एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और शानदार धारा इन विंटर, जाड़े में कैसे दिखाई देती है, करे कि अनैरो संकीर्ण स्लो धीमा एंड गेस्टफुल स्टीम और शानदार धारा दिखाई देती है इन विंटर, जाड़े में, जाड़े के समय यह संकीर्ण धीमा और शानदार धारा दिखाई देती है। एंड वास्ट रोरिंग, और वास्ट मीन्स होता है विशाल, रोरिंग मीन्स होता है दहाड़ना, कह रहा है कि एंड वास्ट रोरिंग और विशाल दहाड़ती हुई प्रतीत होती है ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान अर्थात बरसात के दौरान जो है यह विशाल दहाड़ती हुई प्रतीत होती है। ब्रॉड बॉसम कह रहा है कि चौड़ी छाती वाली, छाती मतलब सतह, कह रहा है कि चौड़ी सतह वाली, ऑलमोस्ट द सी, कह रहा है समुद्र के समान चौड़ी सतह वाली दिखाई देती है, कब, मानसून के समय। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, कह रहा है कि एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, कह रहा है और उसके अंदर जो है समुद्र जैसी नष्ट करने की शक्ति आ जाती है, और होता भी है क्योंकि बाढ़ के समय बरसात समय बाढ़ काफी आता है, बहुत लोगों को प्रभावित करता है, बहुत चीज नष्ट भी कर देता है। कि द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, पास्ट ऑफ इंडिया मतलब प्राचीन भारत, सिंबल मीन्स प्रतीक और मेमोरी मीन्स यादें या स्मृति होता है। तो वही कह रहा है कि द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा नदी मेरे लिए रही है, क्या रही है, सिंबल प्रतीक रही है, एंड मेमोरी और स्मृति के रूप में रही है ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की। पूरा मिलाकर आप ऐसे कह सकते हैं कि गंगा नदी मेरे लिए प्राचीन भारत की प्रतीक और स्मृति के रूप में रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से बहते हुए, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य के महान सागर में मिल जाती है, ओशन मीन सागर होता है, कराए कि रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से बहते हुए एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान सागर में मिल जाती है। तो ये रहा इस पैसेज का हिंदी अर्थ। अब आइए इसके क्वेश्चन और आंसर को भी स्टडी करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसा आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन में हर पैसेज में जो है राइटर का नाम और लेसन का नाम पूछता है, तो हर बार की तरह इसमें भी मैं इसका बताऊंगा। देखिए लिखा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखिए फ्रॉम विच, जिससे द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, यह पैसेज लिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का लेखक कौन है। देखिए ये फर्स्ट आंसर इसका, दिस पैसेज हैज बीन टेकन, ये पैसेज लिया गया है फ्रॉम द लेसन द गंगा, कह रहा कि गंगा नामक लेसन से, रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आप जब भी परीक्षा एग्जाम में लिखिएगा तो बाकी सब जो है आप ब्लू पेन से लिखिएगा, ये लेसन का नाम और राइटर का नाम आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा,
या अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और ये जो है लेसन का नाम इनवर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, करे कि अकॉर्डिंग टू राइटर के अनुसार करे व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा, गंगा का दृश्य कैसा होता है, लाइक गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल। इसमें कराया है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार करे व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल। करे कि मॉर्निंग में सुबह के समय एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल, और जब शाम की छाया पड़ने लगती है अर्थात शाम के समय, सुबह में और शाम के समय जो है गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। लेखक के अनुसार पूछा, लेखक के अनुसार शाम के समय और सुबह के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है या उसका दृश्य कैसा दिखाई देता है। देखिए यहां पर आंसर है इसका सेकेंड, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार द गंगा लुक्स स्माइलिंग, गंगा मुस्कुराते हुए प्रतीत होती है एंड डांसिंग और नाचते हुए इन द मॉर्निंग, सुबह गंगा कैसे दिखाई देती है, स्माइलिंग एंड डांसिंग मतलब मुस्कुराते हुए और नाचते हुए, एंड डार्क अंधकारमय, ग्लूमी उदास एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई इन द इवनिंग शाम के समय। मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है। फ्रेंड्स यहां पर स्माइलिंग में सिंगल एल रहेगा, गलती से डबल एल हो गया है, आप उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार द गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, गंगा जो है मॉर्निंग में मुस्कुराती हुई और डांसिंग और नाचती हुई प्रतीत होती है, एंड और डार्क अंधकार में ग्लूमी उदास एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई इन द इवनिंग शाम के समय दिखाई देती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कह रहे कि हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, कह रहे कि राइटर के अनुसार हाउ डज द गंगा लुक, गंगा कैसी दिखाई देती है ड्यूरिंग द विंटर, जाड़े के समय। लेखक के अनुसार गंगा नदी जाड़े के समय कैसी दिखाई देती है। देखिए इसका आंसर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार द गंगा लुक्स नैरो, गंगा जो है लुक्स दिखाई देती है नैरो, संकीर्ण स्लो धीमी एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े में करें कि ग्रेसफुल स्ट्रीम शानदार धारा। करें लेखक के अनुसार गंगा नदी जो है जाड़े में संकीर्ण धीमी और शानदार धारा दिखाई देती है। आई क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, कह रहा कि व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून्स, कह रहा व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून, कह रहा कि मानसून के दौरान गंगा का सीन कैसा होता है, सीन मतलब दृश्य, मानसून के समय गंगा कैसे दिखाई देती है, कहने का मतलब है कि बरसात के समय गंगा का दृश्य कैसा होता है। देखिए आंसर नंबर फोर है कि ड्यूरिंग मानसून के दौरान द गंगा लुक्स ब्रॉड बॉसम्ड, गंगा कैसे दिखाई देती है, करे ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़ी छाती वाली या ऐसे कह सकते हैं चौड़ी सतह वाली, एलमोस्ट एट द सी समुद्र के समान। इसमें कराया कि मानसून के दौरान गंगा नदी जो है समुद्र के समान चौड़ी सतह वाली दिखाई देती है या चौड़ी छाती वाली दिखाई देती है। अब आइए इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो पूछ रहा है कि विच वर्ड्स इन द एबव नोटेड पैसेज गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कह रहा है कि कौन सा शब्द ऊपर के पैसेज में जो ये पैसेज दिया गया है उसमें से कौन सा शब्द जो है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो है सिनोनिम्स बताते हैं, मतलब इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका सिनोनिम्स है, सी का और रुइन का, सी मीन्स समुद्र होता है और रुइन मीन्स नष्ट करना, तो ये देखते हैं कि कौन सा वर्ड है। देखिए जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में दो वर्ड मिलेंगे, सी का खोजेंगे तो उसमें ओशन मिलेगा, सी मीन्स सागर होता है, ओशन मीन्स भी सागर होता है, रुइन मीन्स नष्ट करना, तो डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, जब आप खोजेंगे पैसेज में तो ये ओशन और डिस्ट्रॉय मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। यदि आप प्रत्येक वीडियो को देखते हैं हमारे तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और फ्रेंड्स यदि द गंगा नामक लेसन का जो है पूरा हिंदी अर्थ आपको देखना है तो दो तीन पार्ट में मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है, यह प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ।